अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिएटिव क्यू। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही रिक्वेस्टेड है, क्योंकि जब मैंने ड्राई स्किन वाली वीडियो की तो बहुत सी मेरी फ्रेंड्स के डीएम्स आए कि प्लीज क्रैक्ड हील यानी फटी एड़ियों पे बात जरूर करें। तो इंशाल्लाह ताला आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी होम रेमेडीज शेयर करूंगी जिससे इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत जल्दी क्रैक्ड हील यानी फटी एड़ियों से मुकम्मल निजात भी मिल जाएगी, और इंशाल्लाह ताला हम ये भी देखेंगे हम प्रिकॉशंस कैसे ले सकते हैं ताकि एट द फर्स्ट पॉइंट ये हो ही ना। तो जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन DIY वीडियोस के लिए। इसके साथ ही चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। क्रैक्ड हील्स यानी कि फटी एड़ियां। आप सब लोगों को पता है कि हमारे जो पाम्स हैं, हाथों की ये वाली साइड और पाँव के सोल्स यानी नीचे वाली साइड जो जूते के ऊपर आती है, उसमें पोर्स नहीं होते, ना वहां पे कोई बाल होते ना पोर्स होते। जब हम जूता पहनते हैं और उससे इस पाँव के एरिया का फ्रिक्शन डेवलप होता है, रगड़ पैदा होती है, तो अल्लाह ताला ने बॉडी में स्किन में एक मैकेनिज्म डेवलप किया है कि वो प्रोटेक्ट करने के लिए केलस डेवलप करना शुरू कर देती है। एक तो ये रीजन होता है, या आपका जूता आपको प्रॉपरली फिट नहीं करता तो भी आपको ये डेवलप हो जाता है। जीन्स में भी ये हो सकता है, आप जेनेटिकली भी इसको इनहेरिट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप फ्लिप फ्लॉप्स पहनते हैं या फिर ओपन जूते पहनते हैं और एक्सपोज्ड होती हैं आपकी एरिया या कोई भी पार्ट, उस पर भी ये केलस डेवलप हो जाता है। इसके अलावा और बहुत से रीजंस हैं, एक्जिमा, सोराइसिस, वेदर, फंगल इन्फेक्शन, और बाजों का तो आपने देखा होगा कि जख्म बन जाते हैं, क्योंकि अगर केलस डेवलप हो जाए, डेड स्किन सेल्स एक जगह इकट्ठे हो जाए, तो वो बहुत ही हॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट होती है किसी बैक्टीरिया के ग्रो करने के लिए। आपको पता है जब भी मैं आप लोगों के साथ होम रेमेडी शेयर करूंगी मैं आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स जरूर बताऊंगी। तो प्लीज अगर आप हाइपोथायरॉइड हैं, विटामिन बी या डी की कमी है, शुगर या डायबिटीज है, या आप कोई क्रैश डाइट कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको सही न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे हैं, इसके अलावा अगर आप फीमेल है तो मेनोपॉज, ये वो तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से ड्राई स्किन हो जाती है, क्रैक्ड हील्स डेवलप होती हैं, इन सबको आपने जरूर रूल आउट करना है हमारी इन रेमेडीज के साथ। तो चलते हैं सबसे पहले रिकमेंडेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की तरफ। सेटाफिल हीलिंग ऑइंटमेंट बहुत अच्छी है। उसके अलावा एक और ऑइंटमेंट आती है विच इज माई फेवरेट, और वो है कैरोसेल। अगर कोई बाहर रहता है आपका या फिर ऑनलाइन भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये तो हो गई प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस। अब चलते हैं कि हम घर में क्या कर सकते हैं। अगर आप रिलीजियसली इसको फॉलो करोगे तो आई प्रॉमिस कि आपकी एड़ियों के ये मसले बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे, प्रोवाइडेड कि आप इसको रेगुलरली करो। ये एक 2-स्टेप प्रोसीजर है जिसमें पहले आपने अपने पांव को डिप करना है और दूसरे में आपने इसके ऊपर एक घर में बनी हुई ऑइंटमेंट या रेमेडी यूज करनी है। सबसे पहले आपने इसकी डिप बनानी है जिसके अंदर आप अपने फीट को सोक करें ताकि जो केलस डेवलप हुआ है वो नरम हो जाए। इस डिप को बनाने के लिए आप लोगों ने 2 लीटर पानी लेके, या जिसमें आपके पांव सोक हो जाएं क्योंकि इसको थोड़ा बॉईल भी होना है, थोड़ा आप ज्यादा ले लें। इसमें आप शलजम काट के डालोगे एक, और उसका रीजन ये है कि उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और फोलेट्स होते हैं जिसकी डेफिशिएंसी से नॉर्मली ड्राइनेस हो जाती है। उसके अलावा आप इसके अंदर नमक ऐड करो 1 चम्मच भर के और इसको बॉयल होने दो। जब आपका शलजम नरम हो जाएगा, टर्निप सॉफ्ट हो जाएगा, तो ये पानी छान के आपने टब में डाल लेना है। अब आपने इतना इंतजार करना है कि ये बॉइलिंग वाटर बेरेबल हो जाए जिसमें आप पाँव डाल सको और आपकी स्किन इसको बर्दाश्त कर सके। इसके अंदर आपने 1 बड़ा चम्मच ओलिव ऑयल और साथ में इसके अंदर या तो आप लिस्ट्रीन ऐड करेंगे माउथ वॉश या फिर सैनिटाइजर ऐड करें। इसके अलावा आप डिटोल भी यूज कर सकती हैं ताकि ये जो फिशर्स हैं, जो कट्स डेवलप हुए हैं, इसमें कोई बैक्टीरिया या इस तरह का इशू नहीं हो। याद रखें कि आपने लेमन जूस, बेकिंग सोडा और ACV या एप्पल साइडर विनेगर यूज नहीं करना अगर आपकी एरिया जो है उनमें क्रैक्स हैं। अब आपने अपने पाँव को 10 से 15 मिनट के लिए इस पानी में सोक कर देना है और वेट करना है कि ये केलस सॉफ्ट हो जाए। जब ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और आपको लगे कि आपके फिंगर से भी ये डेड स्किन रिमूव हो रही है, तो आप अपने पाँव को बाहर निकालें
और आपने सिंपल टॉवल से इसको स्क्रब करना है। कोई मेटल स्क्रबर, कोई हार्श चीज आपने स्किन पे यूज नहीं करनी। उसकी वजह मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर आप इसके ऊपर कोई भी चीज, मिट्टी से बना हुआ स्क्रबर, मेटल से बना हुआ स्क्रबर, कोई भी इसके ऊपर लगाएंगे, उससे क्या होगा कि स्किन को शॉक मिलता है और वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मजीद डेड स्किन केलस को डिवेलप करेगी। क्योंकि इसी तरह अल्लाह पाक ने स्किन को बनाया, उसको लगेगा कि मुझे इसको प्रोटेक्ट करना है, वो डीप लेयर्स और डेवलप करेगी। और उसके बाद जब आप इसको सॉफ्ट करने के लिए प्रोडक्ट्स लगाएंगे तो हो सकता है इतने सॉफ्ट हो जाएं कि आपके पांव पे ब्लिस्टर्स बनना शुरू हो जाएं। तो ये आपने याद रखना है कि आपने जितनी आराम से रिमूव होती है, कोई जल्दी नहीं है, एक दफा कीजिए, दो दफा, वन वीक में आप देखेंगे कि खुद से वो जाना शुरू होगी। आपको कोई जरूरत नहीं है एक ही साथ रिमूव करने की। इस डेड स्किन को रिमूव करने के बाद आपने थोड़ा सा वेट करना है ताकि आपकी स्किन का टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। उसके बाद आप इसके ऊपर एक ऑइंटमेंट लगाएंगे, एक इंतहाई हाइड्रेटिंग मॉइस्चर लॉकिंग रेमेडी लगाएंगे, और वही है आपका स्टेप नंबर टू। इसके लिए आप लोगों को लेना है 2 टेबलस्पून एलोवेरा, 2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल, 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल या फिर सरसों का तेल, इसकी जगह आप ओलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून आप इसमें ग्लिसरीन ऐड करेंगे, 1 कैप्सूल आप इसके अंदर विटामिन ई का ऐड करेंगे। अगर वो नहीं है तो उसका रिप्लेसमेंट है आलमंड ऑयल, क्योंकि वो भी भरपूर है विटामिन ई से। और 1 पिंच यानी कि चुटकी बराबर फिटकरी या आलम, कोकोनट चूंकि सर्दियों में जम जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, तो आप आराम से इसको डबल बॉयलर पे मिक्स भी कर सकते हैं। हल्का सा इसको हीट दें ताकि ये सारी चीजें प्रॉपरली मिक्स हो जाए। अब आपने इसको तब तक मिक्स करते रहना है जब तक ये बिल्कुल ठंडा नहीं हो जाता। ठंडा होने के बाद आप इसको किसी भी जार में सेव करके रख सकती हैं। अब स्टेप नंबर 2 में आपने वो जो पाउ डिप करके निकाले थे, थोड़ा सा वेट किया था, ये वाला जो कॉन्कॉक्शन हमने बनाया है, रेमेडी तैयार की है, ये आपने पाउ पे मसाज करना है बहुत जेंटली, एड़ियों पे, पाउ पे, जहां जहां आपकी डेड स्किन है, उंगलियों के नीचे। और इसको आपने कोई 15 मिनट के लिए क्लिंग रैप में लगा देना। ये जो प्लास्टिक हम लोग खाने को कवर करने के लिए यूज करते हैं, जिसको क्लिंग रैप, सरेन रैप, प्लास्टिक रैप बोलते हैं, उससे आपने अपने पाँव को कवर कर लेना है। 15 से 20 मिनट के बाद आपने इसको उतार के सॉक्स पहननी है और सो जाना है। एंड आई प्रॉमिस कि सुबह जब आप उठेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पाँव बिल्कुल बेबी सॉफ्ट होंगे और बहुत हद तक इम्प्रूव। और ये प्रोसीजर फॉलो करते रहे तो विद इन अ वीक इंशाल्लाह ताला आप केयरलेस फ्री हो जाएंगे, कोई फटी एरिया नहीं होगी, कोई डेड स्किन नहीं होगी इंशाल्लाह। जब आप शावर से निकलती हैं, और आपको पता है सर्दियों में थोड़ा ल्यूक वार्म हॉट शावर्स हम लोग लेते हैं, आपकी स्किन बहुत नरम हुई हुई होती है। एक पाँव के लिए छोटा सा टॉवल रखें, उसके साथ स्क्रब करें अपनी डेड स्किन को, रिमूव करने के बाद फौरन ये ऑइंटमेंट लगाएं। सो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कितने अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं इसके। बहुत से लोग ये रेमेडी बनाते हुए जो कि क्रैक्ड हील्स की है, वो मोम या वैक्स यूज करते हैं। आप भी कर सकते हैं। मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि जितनी भी मेरी फ्रेंड्स हैं, भाई हैं, वो ये रेमेडीज यूज करते हैं, वो फिर हाथों पे भी यही लगाते हैं। सॉफ्ट तो हो जाते हैं हाथ, लेकिन मोम इज नॉट गुड। आपके बर्तनों को हाथ लगता है, इन्हीं हाथों से आप खाना खाते हो, इसके ऊपर अगर ये मोम या वैक्स रह जाती है तो दैट इज डेंजरस फॉर यू एंड योर फैमिली ऑल्सो, क्योंकि आप किचन में भी काम करते हो। इस तरह से आप ये ऑइंटमेंट अपनी बॉडी, अपने हाथों पे, पाओ पे इजिली यूज कर सकते हो। और बहुत हद तक सर्दियों में कोकोनट ऑयल इसको इमल्सिफाई कर देता है, लेकिन अगर आप इसके अंदर करना चाहते हो तो आप एक नॉर्मल कैंडल की वैक्स भी इसमें डाल सकते हो, पैराफिन वैक्स भी डाल सकते हो, किसी भी क्राफ्ट स्टोर से मिल जाती है, तो वो अराउंड 20 to 25 grams आप इसमें ऐड कर सकते हो। और आप यकीन करो कि ये ऑइंटमेंट लगा के आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि आपकी स्किन बिल्कुल बेबी सॉफ्ट लगती है, जैसे छोटे बच्चों की, जिसमें मॉइस्चर रिटेन्ड होता है, हाइड्रेटेड स्किन होती है। तो आप लोगों ने इसको जरूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि रिजल्ट्स कैसे थे। आई विल वेट फॉर योर फीडबैक। और एक दो लोगों ने जिन्होंने आके पिछली रेमेडीज में मुझे फीडबैक दिए हैं, थैंक यू सो मच, इट इज मच नीडेड, ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले, क्योंकि मुझे तो मालूम है कि ये रेमेडीज वर्क करती हैं। इस चैनल से आपको कोई चीज
चीज ऐसी नहीं मिलेगी जो वर्क ना करती हो, जिसके पीछे एक साइंटिफिक स्टडी ना हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए, वीडियो तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।